लाइट्स कैमरा राम बढ़ा दे राम बोल दे हम देखिए अब सामने देखिए एक्शन स्टार्स होते थे, उनकी एक झलक देखने के लिए क्या ही समा होता था। अगर कहीं पता लग जाए कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो एक भीड़ लग जाती थी। इसी तरीके से जब फिल्में उनके सिनेमा में लगती थी, सिनेमा घर भरे होते थे। और जब फुल सन्नाटा हो, खामोशी हो, अंधेरा हो और बड़ी स्क्रीन पे वो अदाकार या अदाकारा नमूदार होते थे, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट यूज्ड टू मेक देम स्टार्स। लोग उनकी तरह के कपड़े पहनते थे, उनका हेयर स्टाइल रखते थे। आजकल सोशल मीडिया की वजह से सारे सेलिब्रिटीज़ बहुत एक्सेसिबल हो गए हैं, तो लोगों को लगता है ये तो हम में से ही हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता होता है। बट आई थिंक जो उस वक्त के सेलिब्रिटीज़ थे, दे लिटरली इन्जॉय स्टारडम। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसी ही सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने उस वक्त बहुत खूबसूरत काम किया, जिसको गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। फिर जब हमारी इंडस्ट्री तंजली का शिकार हुई, कुछ कॉन्टेंटलेस मूवीज बनना शुरू हो गई, तब भी वो इस फील्ड से जुड़े रहे। और आज भी जब पिछली एक तिहाई से रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात होती आ रही है, अब भी वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। आई मीन, अब वो फिल्म स्टार तो है ही, इस ईद पर भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, बट नाउ ही इज इनटू टेलीविजन एज वेल। इस रमज़ान पहली मर्तबा उनको एक रमज़ान ट्रांसमिशन करते देखा K2 टेलीविजन पर, एंड नाउ ही इज इनटू प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन एज वेल। अ स्मॉल पैकेज ऑफ अ गेस्ट अरबाज खान इन पर्सनल कॉन्वर्सेशंस।
जानते हैं, बहुत बड़े एक्टर, 110 से ज़ायद फिल्मों में आपने काम किए, ये बताइए कि शौक वालिद साहब की देखा देखी आया कि बस खुद से सोचा कि मुझे भी ये करना है? सबसे पहले तो लेट मी करेक्ट यू कि 110 नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 350 से ज़्यादा फिल्में हैं। ओके। उर्दू, पश्तो, पंजाबी सब मिलाकर तकरीबन मोर देन 350, और इसमें कुछ टेलीविजन ड्रामास भी आ जाते हैं। तो टेलीफिल्म्स भी आपने की हैं? जी, स्टार्ट जो था वो मेरा फिल्म से था। और जो आपने बात कही कि मुझे शौक था या नहीं था, तो टू बी वेरी ब्लंट, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। अच्छा। बिल्कुल भी शौक नहीं था, यूज टू बी वेरी शाय। बल्कि मैं जब मेरी एक मेडन अपेयरेंस हुई स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैंने इस कॉलेज से तो ऑफ ले ली थी काफ़ी अर्सा पहले, तो जब उन्होंने देखा तो देखो शौक यार, इतना एक बड़ा मॉडेस्ट सा, बड़ा शर्मीला सा लड़का, हाउ कम यू नो इज हैविंग रोमांस विद द गर्ल एंड सिंगिंग अ सॉन्ग एंड दिस ऑल दैट। तो फिर एक थोड़ा सा ये भी एक कंफ्यूजन था, क्योंकि माय रियल नेम इज़ आरिफ खान इनफैक्ट, तो मेरा जो रियल नेम है वो आरिफ है, रियल नेम अरबाज है। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी थोड़े से ज़रा परेशान हो गए कि ये क्या है, ये एकदम से है। हाँ, तो पर बाद में उनको पता चला कि नहीं, ये वही आरिफ खान है। सो थिंक इसके एक डिटर्मिनेशन थी, और व्हेन यू आर इनटू इट कि कुछ करना है तो बस फिर हो जाता है। तो फिर आपने ये डिसाइड कर लिया। अच्छा, और उस जमाने में एक वो बड़ी चीज जो एक आपके क्रेडिट पे जाती है, नॉट अ लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल वर कमिंग इनटू दिस फील्ड। आपने माशाल्लाह से ग्रेजुएशन भी की, एक पढ़े लिखे होने के साथ साथ इस फील्ड में आना, अब वो तो नहीं हुआ कि भाई अब ये इतना पढ़ लिख के यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर यही करना था तो पढ़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए पता क्या, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया है पढ़ाई का, कि ऑल ऑफ अ सडन लोग ये सोचते हैं या आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाट विल यू कम अप टू, कि क्या करोगे तुम, बिजनेस करोगे, कोई एम्प्लॉयमेंट करोगे, ये है वो है। हमारे एक टीचर थे, अल्लाह बख्शे उनको, अहमद खोकर साहब, बी के नाउस में हमें पढ़ाते थे। तो हमें कहते थे कि यार ये सोचकर कभी तुम ना पढ़ो कि तुमने कमाना है। तुम अगर पढ़ लिख कर कम से कम अगर गंडेरियां भी बेचोगे ना, तो तमीज से बेचोगे, एक सलीके से बेचोगे। तो व्हाट द एजुकेशन ब्रिंग्स इन इट इनटू यू इज द पॉलिशनेस, और आपको एक जो एक डेकोरम्स होते हैं हर चीज के, कुछ पैरामीटर्स होते हैं हर चीज के, तो वैल्यूज होती है कुछ उसकी, तो यू आर इनटू इट, वो आपको मजीद जो है ना वो ग्लोरीफाई करता है, आपको प्यूरीफाई करता है। तो एजुकेशन का तो कोई उसके साथ जो है ना कोई कंपैरिजन नहीं है। एजुकेशन बेसिक होनी चाहिए, उसके बाद आप कम वोट में जिस भी आप फील्ड में चले जाएं, इट इज गोना सपोर्ट यू, वो एक आपकी ट्रेनिंग। और वो मेरी एक एज भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब का नाम तो है ही यार आसिफ खान साहब का, लेकिन एजुकेशन का मुझे बहुत एज है, मतलब द पीपल टेक मी एज अ वेरी लाइक आई मीन देयर गुड बुक्स जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड एजुकेशन। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, और ये आजकल तो अब काफ़ी माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। आपने तब भी काम किए, अब भी काम करें, क्या आजकल के जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं, वर्क एथिक्स उनमें कैसे हैं? पहले काम करने का जो तरीका था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब पहले ये होता था कि जी एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक काम होता था, लाइक दे यूज्ड टू बी डिफरेंट मीडियम्स, कहते थे जी आप पहले रेडियो पे काम करें, फिर टेलीविजन पे काम करें, फिर आप सिल्वर स्क्रीन पर आए, आते थे ना, वो थोड़ा सा टाइम लगता था। और उसमें जब ये था कि आप पॉलिश होते थे, लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में थोड़ी सी जो है वो एक पॉलिशनेस आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोई अकेडमीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो जो एक टाइम पीरियड के थ्रू जब आप आते थे तो वो एक सस्टेन करता था वो चीज़। जब आप एक टाइम लगा कर थोड़ी सी आपने एफर्ट किए, फिर आप एक पॉइंट पर पहुँचे हैं, तो आपको उस चीज़ की कदर भी होती थी और लोग रिकग्नाइज भी करते थे, एक्नॉलेज भी करते। अच्छा, उसके कॉन्ट्ररी अब क्या होता है, तो सोशल मीडिया, जस्ट पिकअप योर फोन, कोई वीडियो बनाए, कोई हैंकी पैंकी करें, एंड इफ इट गेट्स वायरल तो यू आर एन ओवरनाइट स्टार। लेकिन वो इजी कम इजी गो वाली बात हो जाती है। वो जितनी जल्दी से वायरल होते हैं, जितनी ज्यादा उनकी एक्नॉलेजमेंट होती है, एट द सेम टाइम वो इतनी जल्दी वैनिश भी हो जाते हैं। अच्छा, और एक वो भी होता था ना कि पहले आप
अब जब आपका सीन नहीं है तो भी आप अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनसे बड़ा सीखने को मिलता था। अब एक वो अच्छा मेरा इस टाइम है, इस मोमेंट पे है, बस मेरा जल्दी से करें ये एंड वो एंड, क्योंकि सोशल मीडिया ने आप लोगों के दिमाग में वो चढ़ा दिए, यू आर ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी, पीपल फील दैट यू आर ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी, तो वो थोड़ा आई थिंक देखिए रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना वो तो हमेशा रहना चाहिए, उसके बगैर तो कोई चीज भी आप हासिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कहावत है कि बेअदब बेमुराद बाअदब बहादुर। हमने अपने सीनियर्स की, अपने वालदैन की, अपने जो हमारे वहाँ पे कुलीग्स होते थे, हमने इतनी रिस्पेक्ट की है उनकी कि अगर वो सेट पर होते थे तो अगर वो खड़े हुए तो हमें ये जरूरत नहीं होती थी कि हम बैठ जाएं। ये देखिए ये आजकल नहीं तो ये जो डेकोरम्स हैं और ये जो वैल्यूज है ना, ये हम लोगों ने इसको बरकरार रखा। उसके जो कॉन्ट्री आजकल के जो लोग हैं या जो आजकल के शो कॉल्ड सुपरस्टार्स बने होते हैं, दे आर रिगार्डलेस ऑफ सच थिंग्स के यार हाउ टू पे होमेज टू द सीनियर्स, रिस्पेक्ट क्या होती है और एक मतलब एक सीनियरिटी की क्या एक वैल्यू होती है, दे जस्ट गिव अ डैम कि वो कौन है कौन नहीं है। तो उसके आप देख भी लेना कि मतलब है कि उनको कोई जानता भी नहीं है, है इतना काम भी कर चुके होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुँह से बता रहते हैं यार मैं वो सच एंड सच फला हूँ और आप मुझे जानते नहीं है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में दोस्तियां बड़ी फेक होती हैं, मतलब अच्छे दोस्त नहीं मिलते, और अगर बन जाएं तो वो फिर आपके लाइफ लॉन्ग दोस्त बनते हैं, तो आपकी दोस्तियां कैसी हैं इस फील्ड में? कोई ये मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ना ऐसी एक चीज़ें जो है ना वो एट्रीब्यूट कर देते हैं कि जी शोबिज में शादियाँ ज़्यादा कामयाब नहीं होती, शोबिज की दोस्तियाँ ऐसे नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शोबिज के लोग भी बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, उनकी भी दोस्तियाँ होती हैं और दोस्तियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं, शादियाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल भी रही हैं, जैसे मेरी शादी है जॉन रैम्बो अफजल खान साहिबा की शादी है, जवेरिया साउद की शादी है, और दोस्ती भी हम तीनों की बहुत एक पक्की दोस्ती है, बल्कि हमें तो इस चीज़ का जो है ना बड़ा टॉन्ट भी लोग करते हैं कि भाई ये तो पूरा पैकेज है, एक कपल को बुलाएं तो तीनों कपल आ जाते हैं। अच्छा ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ डू यू टेक द थिंग्स, के इस चीज को मैनेज करना पड़ता है 50-50। हाउ डिफिकल्ट इज इट, कितना डिफिकल्ट है मैनेज? डिफिकल्ट नहीं है, बेसिकली देखिए ये गिव एंड टेक है, रिस्पेक्ट है, लव है, और आप जितना इसको निभाते रहेंगे ये चलता रहेगा। अब वन साइडेड तो कुछ भी नहीं होता, ना वो रिलेशन होता है, ना मियां बीवी का वन साइडेड कभी बात नहीं चल सकती, तो ये है कि you always have to give and have to take। बिल्कुल, अब आपने ये बात छेड़ ही दी है, तो आपने ऐसे पॉइंट पे शादी करने का डिसाइड किया जब माशाल्लाह से आपकी फिल्में बड़ी हिट हो रही थी, पीक करियर चल रहा है, अमूमन एक्टर्स थोड़ा इस चीज़ को डिले करते हैं, बट आपने डिसाइड किया और माशाल्लाह से कोई कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं सुनने को मिली, मतलब बाकी तो होते हैं फिर कोई ना कोई खबर आ रही होती है, ऐसा कुछ नहीं, माशाल्लाह से स्मूथली। नाउ यू हैव टू सन्स, हाउ आर दे? माशाल्लाह जी, माय एल्डर वन इज 15 इयर्स एंड द यंगर वन इज 8 इयर्स। ये थोड़ा मंत्र बता दें कि इंडस्ट्रीज की शादी लॉन्ग लास्ट करे। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी वाइफ है खुशबू जी, वो भी शोबिज से हैं, हमने एक फिल्म इकट्ठी की तो वहां से हमारी दोस्ती हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अच्छा। तो वो चलते-चलते तो फिर बाद में बात थोड़ी सीरियस हो गई, तो अक्सर वो मुझे कहती थी कि यार जो तुम्हारी जिस तरह की आंखें हैं ना, ये ग्रीन बिल्ली आंखें, ये लोग बड़े बेवफा होते हैं। अच्छा, ये वफा नहीं करते, स्टीरियोटाइप बना हुआ कहते हैं लोग। तो मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है तो मैं ये कहावत को ही गलत करके साबित करके दिखाऊंगा, और देखो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और वफा करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सो फार सक्सीडेड। मैंने उस वो जो एक इडियम था, एक मुहावरा है या जो भी, मैंने उसको फलसफाई किया, ऐसा नहीं आंखों से क्या फर्क पड़ता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पीली मैरिड, दो बच्चे हैं मेरे, बड़ा आर्यन है, छोटा शायान शानी, एंड ही इज अ डार्लिंग। उससे मेरी मुलाकात भी हुई अभी कुछ दिनों पहले, तो माशाल्लाह से ही इज अ स्वीट हार्ट, और ही इज अ बोर्न एक्टर माशाल्लाह। हां, तो वो उसमें जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, हां जी, दोनों तरफ से जीन्स है उसमें, मतलब दादा भी देन वालिद भी फिर वालदा भी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो मैं तो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इस काम को, अपने इस काम को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इस काम की वजह से आज मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मैं जो भी हूँ, मैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो इस काम की वजह से ही है, इसी की बदौलत। अच्छा, अरबाज खान हमेशा फील्ड में, सेट पे, यहाँ वहाँ, जब घर में होते हैं तो आप कैसे होते हैं? घर में भी ऐसे ही है,
आप यकीन करें, मैं अगर ये अभी यहाँ पे हल्की सी कुछ थोड़ी सी मट्टी पड़ी होगी तो मैं साफ करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, कुछ तरह हाँ, के मैं सर मैं बिल्कुल बड़ा देसी आदमी हूँ। मैं तो घर में सफाइयाँ भी करता हूँ, अपनी गाड़ी भी खुद धोता हूँ, कपड़े भी अपने कभी कभी धो लेता हूँ, और मुझे कोई आर नहीं है इस चीज़ में। मैं एक बिल्कुल सिंपल सीधा साधा इंसान हूँ और सादी सी खुराक खाता हूँ। मुझे कोई उसमें कोई बनावट या वो भी हेजिटेशन नहीं है कि ये क्या है। मैं ज़मीन पे बैठ के भी खा लेता हूँ, मैं स्टूडियो में अपने स्टाफ के साथ भी बैठ के खाना खा लेता हूँ, मैं अपने हाथ से खाना भी बनाता हूँ, और अक्सर मैंने अपनी वाइफ को जो है नए ऑमलेट बना के खिलाता हूँ, बड़ा स्पेशल होता है। तो मैं तो मुझे इसमें कोई यार नहीं है, मैं एक बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ। तो ये चीज़ बड़ा आपको आगे लेके भी जाती है। आई थिंक जो आपकी हम सक्सेस देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि हाँ, वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं चल अक्सर रही लोग हमें जैसे। ये मुझे ये कहते हैं कि यार, अक्सर हम लोग जब स्टार से मिलते हैं तो वो बड़ा एक डिस्टेंस रखते हैं और एक बड़ा अजीब सा उनका एक ऑरा होता एक है, हाँ, उन्होंने खुद बनाया होता बनाया है होता है, शायद फैंस उनको इतना बड़ा मानते भी नहीं है जितना वो खुद को मानना जो शुरू कि किया नहीं है। होना चाहिए। क्योंकि देखें, जिंदगी है तो मौत भी है, कल को जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो कोई हमें ये कहकर याद नहीं करेगा कि यार वो बड़ा अच्छा एक्टर था, बड़ा पैसे वाला था। हमेशा इसीलिए याद करते हैं कि यार इंसान अच्छा था। तो हमारे तो जीन में वालिद साहब यही एक उन्होंने सबक दिया था कि बेटा, मैंने सारी जिंदगी इज्जत कमाई है, प्यार कमाया, तो तुम भी उसी लेगेसी को लेके चलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे लेके हैं। चल रहे हैं इज्जत और प्यार, बिल्कुल ठीक है। और यहीं से एक बात आगे बढ़ाते हैं, अब जैसे आजकल सेलिब्रिटीज ना अपनी इंडोर्समेंट्स भी खुद कर रहे होते हैं, न्यूज़ में रहने के लिए कोई ना कोई वायरल चीज़ आ रही होती है, कोई ना कोई खबर कर देते हैं, एक इमोशनल एस्पेक्ट पे बड़ा किया जा रहा होता है, प्रॉब्लम होता होगा उनकी लाइफ में। आपने बहुत कम पर्सनल लाइफ के बारे में हमेशा से थोड़ा प्राइवेट रहे हैं या बात करना पसंद नहीं किया? नहीं देखिए, ये चीज़ें तो वो लोग करते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह वो स्क्रीन से आउट हो एंड दे जस्ट वांट टू बी ऑन द दे वांट टू स्क्रीन बी आइदर बैक। द वे, आइदर वे बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे हम लोग, हमारे कुछ सेलिब्रिटीज हैं ऐसा करते हैं, तो मैं इस चीज़ का के हक में नहीं हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नसीब में, और जो आपके नसीब में है और जो आपके वक्त पे आपको मिलना है वो मिलेगा। नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा ना मिला है ना मिलेगा। तो जो है वो आपको मिलना है, आप अपनी एफर्ट्स जारी रखें और इंशाल्लाह जो होना है वो होकर रहना है। तो मैं ऐसे ही बिला वजह अपने आप को एग्जैजरेट करके, अपने एक परसोना से निकल कर जो मैं नहीं हूं, तो मैं वो क्यों करूं? तो जो है वो होगा, जितना है, जितना मेरा स्टारडम है, अल्लाह ताला कोई ना कोई मौका ही बना ही देता है। जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पूरा पूरा आप देखेंगे पेंडेमिक में पूरी बिल्कुल दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री बंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रीजनल इंडस्ट्री है पश्तो वो की चल रही वो है। सरवाइव कर रही है। उसके अलावा ये कि गाहे बगाहे चले, मैं कुछ टेलीविजन शोज भी कर लेता हूँ, रोड शोज भी कर लेता हूँ, कमर्शियल भी कर लेता हूँ। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, मेरी नीयत साफ है तो वो मुझे इन ही रखता है। ये तो है, ये तो तो है। अच्छा, और एक जो भी आपके लिए, लेकिन ये करियर ऐसा है जिसमें थोड़ी इंस्टेबिलिटी है, मतलब आप एक फिक्स्ड करियर में, आपको पता है आपको इतना इतनी इनकम आ रही है, इतना आपका निज़ाम चल रहा है, इतने सालों के बाद आपको ये हो जाएगा, तो कभी ऐसा पॉइंट आया हो आपकी ज़िंदगी में जहाँ शायद आपने सोचा हो कि कहाँ हो गए? अब देखिए, जब आपकी हिट फिल्म्स आ रही हैं तो शायद एक साल में पाँच पाँच भी आ रही हैं, मगर अगर कभी काम नहीं है तो साल साल शायद नहीं भी है, तो किसी पॉइंट पे सोचा हो कि तो कोई और ही देखिए, फील्ड हो इंस्टेबिलिटी जाती तो है। ना सिर्फ शोबिज के हवाले से नहीं होती, वो तो किसी काम में भी हो सकती है। आपका कोई भी प्रोफेशन हो तो रिस्क आर ऑलवेज देयर। लेकिन ये है कि डेफिनेटली अपनी सेविंग्स होती हैं हर एक की, कुछ अपने सेफ साइड्स रखे होते हैं हमने। तो दूसरी बात ये है कि अगर मैं कहीं और जाके मनूवर करूँ या मैं कोई पार्ट टाइम कुछ इस तरह करूँ तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि एक वक्त में आप एक ही काम कर सकते हैं जिसको आप कंप्लीटली कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। हाँ, इस तरह का होता है कि जैसे हमने एक बुटीक का इनॉग्रेशन किया था अपने घर पे, मेरी वाइफ ही वो रन करती थी, तो इस तरह की एक्टिविटीज चलती हैं। बाकी इंस्टेबिलिटी तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, हार्डशिप्स आते हैं, लेकिन ये कि यू हैव टू गो थ्रू इतना देम। आपका यकीन है कि और बस फिर कर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम दोनों काम करते हैं, वो भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, तो अल्लाह का करम है, वो कभी इस तरह की कोई पोजीशन हुई नहीं। नहीं हुई। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको डायलॉग्स आसानी से याद होते थे? मतलब इतनी फिल्में की हैं, इतना काम तो आसानी से याद होते थे? बल्कि जी मेरे लिए तो ये कॉम्प्लीमेंट है,
कि मुझे जो ना लाइंस बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ओके। उसकी शायद रीज़न ये है कि मैं जब स्टूडेंट था तो आई वॉजंट अ वेरी जीनियस या बड़ा मैं कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बट आई वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ओके। जब क्लास में कोई लेक्चर होता था तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं आता था कि ये क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं पार्ट टाइम में, रिसेस में, ऑफ टाइम में टीचर के पास जा जाके उनसे पूछना कि मुझे बताएं बताएं बताएं, थोड़ा टाइम लगता था, वो भी इरिटेट होते थे, लेकिन वो मुझे सिखा देते थे। मैं उस पर मतलब आई यूज टू गेट ओवर टू इट कि मुझे समझ आ जाती थी, लेकिन जब एक बार फिर समझ आती थी ना फिर वो आज तक मेरे जहन में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये मुझ पर बड़ा करम है। और जहाँ तक डायलॉग की बात है तो उसका भी यही सिलसिला है, तीन चार सफ़े का डायलॉग अगर आप मुझे दे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं याद कर लेता हूँ। बल्कि एक ऐसा हुआ मेरे साथ, सैयद नूर साहब जो है मेरे उस्ताद हैं, उनकी एक फिल्म थी चूड़ियाँ नहीं हथकड़ियाँ, तो मेरा और सऊद का एक सीन था इस तरह, तो उन्होंने एक चार सफ़े का डायलॉग था जिसमें से तकरीबन 90% मेरे ही डायलॉग थे और फिर मैंने उनके रिएक्शन देने थे, तो उन्होंने वो डायलॉग लिख के तो मुझे दे दिया। वो ब्रेक आ गई किसी तरीके से, वो बात सीन को थोड़ा डिले हो गया तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया याद करने का। अच्छा। और ये तब की मैं बात बता रहा हूँ जब रील नेगेटिव और वो रॉ मटेरियल का एक अच्छा, वो था, एंड इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर वो रीटेक्स जो होती थी ना वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वैसे भी ना जो एक्टर रीटेक्स देता था तो उसको जरा थोड़ा सा ना वो डिग्रेड भी करते थे, तो ये भी प्रेशर होता था। फिर हम लोग जरा बिल्कुल एजाइल होते थे कि यार फर्स्ट टेक ओके देना, तो वो 400 feet का वो जो थी मैगजीन वो लोड हुई और मेरे सामने कैमरा रख दिया। अब ओटी में जो है मेरे सऊद बैठे हुए, तो नूर साहब ने बोला स्टार्ट साउंड कैमरा एंड एक्शन, तो उन्होंने क्यू दिया, मैंने पकड़ा। इससे पहले कि वो अपना दूसरा क्यों पकड़ते मैंने दूसरा भी पकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सत्ता, सातवां, आगे से रिस्पांस की जरूरत ही नहीं पड़ी। हत्ता कि आप यकीन करें कि टिल द मैगजीन रैन आउट, उसके बाद ये कि वो मैंने चार सफे का डायलॉग इन वन गो बोला, एंड इट वाज अ कट एंड थंडर क्लैप ऑन अराउंड द स्टूडियो ऑन द फ्लोर। अनूर साहब ने मुझे उस वक्त जो है ना 1000 rupees का नोट निकाल के उस पे मुझे सिग्नेचर्स करके दिए। आपने संभाल के रखा। जी हाँ, बिल्कुल, ये चीजें ऐसी हैं कि दिस गोल्डन मेमोरीज एंड यू हैव टू चेरिश देम। बिल्कुल। अच्छा, फिर भी कभी थोड़ा वो प्रेशर हुआ सामने कोई ऐसा एक्टर आ गया हो या किसी ऐसे डायरेक्टर के सामने, एक होता ना मतलब जितने मर्जी अच्छे हो जाए किसी पॉइंट पे थोड़ी सी एंजाइटी फील होती है? नहीं, प्रेशर कभी किसी दूसरे एक्टर का नहीं लिया, सिर्फ एक मर्तबा हुआ था, फर्स्ट टाइम जब व्हेन आई वाज फेसिंग माय फादर, When I was sharing screen with my father first time, तो वो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि एक पठान फैमिली में एक डिफरेंस होता है बेटे और बाप में, वो कभी भी वो चीज़ इतनी वो नहीं होती, तो the first time when I was sharing screen with my father, तो मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नर्वस था, तो वो एक मोमेंट था जब थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो हमने इतनी रूटीन में काम किया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर। अच्छा, वालिद साहब का क्या रिएक्शन था? वालिद साहब तो मुझे खुद लेकर आए। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे तो शौक ही नहीं था, तो वालिद साहब मुझे खुद लेकर आए इंडस्ट्री में और उन्होंने कहा कि ये एक फिल्म बन रही है, सैयद नूर साहब से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई और उसके बाद फिर ये घूंघट फिल्म की जो है जी हाँ, उसमें वो गाना मेरा बहुत क्लिक हुआ, देखा जो चेहरा तेरा, और जी हाँ बिल्कुल, और फॉर्चुनेटली मुझे जो है ना म्यूजिक ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी जो शुरू की फिल्मों में जितने भी नंबर्स थे हिट नंबर्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लाइक घूंघट में देखा जो चेहरा तेरा, उसके बाद फिर एक फिल्म थी दिल की अपना दुपट्टा जल रहा है, नूर साहब की फिल्म थी, उसका एक गाना था हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, इट वेंट सो वायरल। फिर दिल किसी का दोस्त नहीं एक फिल्म थी, उसमें एक सैड सॉन्ग था, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं दुख प्यार के सहते हैं, और तो वो आप यकीन करें कि कॉलेज के लड़के मुझे मिलते थे। एक दफा मैं वो लाहौर में सिग्नल पे खड़ा हुआ तो मुझे शीशा नॉट किया दो स्टूडेंट्स के, उन्होंने कहा जी हम एमए कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके सामने ही वो कैपिटल सिनेमा था, उसमें वो फिल्म लगी थी। अच्छा। तो कहने लगे हमने बकायदा से वो टाइम नोट किया है कि इस गाने का, तो हम मैटिनी शो में जो है ना स्पेशली इतने बजे जाते हैं, ये गाना देख के तो वापस आ गए। ये देखें, ये प्यार और ये एक वो होती है जो बिल्कुल सही आपने अर्न किया अपनी मेहनत से, अपने काम के बलबूते पे, ये जो आप ये फैंस का प्यार है ये। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाले साहब की वजह से आए, नो डाउट, धक्के नहीं खाने पड़े, उनकी वजह से बड़ा वार्म वेलकम हुआ, लेकिन उसके बाद ये कि मेहनत बहुत की। मेहनत देखें, मैं साफ बहनों का इकलौता भाई हूँ,
मैंने कभी ग्लास पानी का उठा के खुद नहीं पिया कभी भी, जब तक मैं प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आया। लेकिन व्हेन आई वेंट इनटू द प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं आया और फिर जब मुझे थोड़े वक्त के थपेड़े पड़े, शुरू में फेलियर्स हुई, धूप में खड़े हैं जनाब 8-8 घंटे 9-9 घंटे रोजा रख के काम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी हार्ड टफ जॉब। तो फिर उसके बाद ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर चीज की वैल्यूज जो है ना वो समझ में आने लगे। स्पेशली एक ये ऐसी चीज है ना, आप खुद जैसे मर्जी फेस से गुजर रहे हो, आपका जैसा मर्जी मूड हो, जब कैमरा ऑन हो गया देन यू हैव टू नलिफाई योर पर्सनल लाइफ, देन यू आर पोर्ट्रेइंग अ सर्टेन कैरेक्टर ना, फिर तो आप भूल जाएंगे बिकॉज़ इट इज गोना बी अ हिस्ट्री। आज से 100 साल बाद 50 साल बाद जब हम नहीं भी होंगे, कोई देखेगा तो अगर मैंने अच्छा शॉट नहीं दिया तो कोई नहीं सोचेगा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, बिकॉज इट बिकम्स अ हिस्ट्री। तो एट द मोमेंट यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर देन यू हैव टू प्ले इट, यू हैव टू जस्टिफाई। बिल्कुल सही। तो कोई ऐसा रोल जो आपने अदा किया हो जो आपकी पर्सनल जिंदगी से भी बहुत सिमिलैरिटी रखता हो, जो असल में अरबाज खान है, उस पर्सनैलिटी के क्लोजेस्ट कौन सा कैरेक्टर रहा है? असल में कैरेक्टर्स कभी मतलब अगर मैं शुरू से मैं अपने लिए कैरेक्टर लिख पाऊँ और सोचूं कि यार ये मैं करूँगा और इट्स गोना बी समथिंग आउट ऑफ द माइंड और आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसा होता नहीं है। चैलेंजेस सामने आ जाते हैं, ठीक है। लाइक ये जो फिल्म थी दिल किसी का दोस्त नहीं, ये मेरी थर्ड फिल्म थी और मेरी तो मेड इन अपीयरेंस थी, मैं वाज जस्ट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो उसमें मेरे लिए चैलेंज था जिसमें आई प्ले अ ब्लाइंड मैन, मेरी नजर चली जाती है, तो इट वाज थोड़ी मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने किया वो गाना, उसी उसमें हिट हुआ। उसके बाद ये कि अब ख्वाहिश है कि अब तो माशाल्लाह आई एम इनटू डायरेक्शन आल्सो, तो बस सोचता हूँ कि कोई एक ऐसी फिल्म बन जाए कि जो कि हमेशा के लिए एक माइलस्टोन हो। शॉपिंग में सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से खर्च करते हैं? अब तो बच्चों पे खर्च करता हूँ। एक अब मैंने आपके साथ सेगमेंट खेले दिस और दैट, आपने जल्दी जल्दी मुझे जवाब दें। जी। पश्तो फिल्म्स, उर्दू फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स? पश्तो। ओके। पैसा या शोहरत? शोहरत। मोमराना, रैम्बो या साउथ? सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है काम करके? ये आप मेरी लड़ाई करवाएंगे। असल में ज्यादा काम मैंने साउथ के साथ किया। ओके। ये अभी रैम्बो अगर देख रहे हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चाय कॉफी? कॉफी। ओके। दाल चावल, चिकन कढ़ाई? दाल चावल। एक्टिंग, होस्टिंग, डायरेक्शन? डायरेक्शन। अच्छा, ऐसे होस्टिंग एक्सपीरियंस कैसा आपका चला? होस्टिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, अब ये तो देखने वाले बता सकते हैं कि कैसा रहा, लेकिन ये कि मुझे डायरेक्शन जरा ज्यादा थोड़ा सा थोड़ा इन्वेंशन ज्यादा होती है उसमें, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है और मैं ज्यादा एंजॉय डायरेक्शन को। आपकी वो क्रिएटिव स्ट्रीक है तो वहां पे आपके पास ज्यादा एज होता है क्रिएटिव। ओके जी। समर्स, विंटर्स? विंटर्स। ओके। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है आपको? ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग एंड आई एम वेरी फूडी। ओके। अच्छा जी, सिंगर्स बताइए, आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ। अगर आप खुद अरबाज खान को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में या 3 अल्फाज में बयान करें तो कौन है? 3 में नहीं करते, 4 में कर लेते हैं, क्योंकि असल नाम मेरा आरिफ है, तो A for adorable, okay. R for responsible, okay. I for innocent, really I am, and F goes for faithful. Thank you so much for giving us time. मैं कह सकती हूँ कि आजकल सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा हैं, मगर स्टार फैक्टर यू नजर से नजर हम कलाम हुई, आज की शाम तो तेरे नाम हुई, जाने क्या हो गया मेरा दिल खो गया, बात तन्हाई सरेआम हुई, यूं नजर से नजर हम कलाम।